हेलो एवरीवन, आज है 16 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, 33 रुपए का ये शेयर है और एक बड़ी गिरावट देखी और धीरे धीरे एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। वीडियो में हम बात करेंगे कि 33 रुपए का ये क्या ये शेयर खरीदने लायक है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वहां पर मैं आपको स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग अपडेट देता रहता हूँ, और सबसे खास बात, वहां पर जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने कौन कौन से शेयर में खरीदारी करने की सलाह दी है उसके बारे में मैं आपको वहां पर अपडेट करता रहता हूं। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की। 33 रुपए का शेयर है, पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 7.5% की अच्छी रैली हम देख चुके हैं। 30 रुपए तक का लो बना था, बाद में बढ़िया तेजी आई थी, पकड़ना मुश्किल हो गया, 34 रुपए तक शेयर पहुंचा, हल्की सी गिरावट भी आई, लेकिन बाद में दोबारा शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में 19% की गिरावट है। आप देखिए, प्री कोविड लेवल से अगर हम बात करें तो 45 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड हुआ करता था। जब कोरोना आया 18 रुपए तक का लो बनाया, लेकिन उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक हुआ है यहाँ पर। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, और कोरोना से पहले मैंने कभी भी IDFC फर्स्ट बैंक खरीदारी करने की सलाह नहीं दी थी, लेकिन जब कोरोना आया और जब इनके मार्च 2020 क्वार्टर के नतीजे आए और वो अच्छे नतीजे थे, उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बाइंग के लिए सजेस्ट किया था। और जब मैंने बाइंग के लिए सजेस्ट किया तब शेयर 18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद हम देखें तो तेजी ही तेजी देखने को मिली है। मार्च के नतीजे अच्छे आए, जून के अच्छे आए, और सितंबर के भी नतीजे बहुत बेहतरीन आए हैं IDFC फर्स्ट बैंक के, और इसी की बदौलत शेयर 18 रुपए से धीरे धीरे उठकर अब 33-34 रुपए तक पहुंचा है। लेकिन अभी भी आसार है कि और ऊपर जा सकते हैं। पिछले 3 साल की मैं बात करूं तो पिछले 3 साल में IDFC फर्स्ट बैंक में 40% की गिरावट है। 68 रुपीज तक का हाई इसने बनाया था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। तो देखिए, कोरोना से पहले का जो वक्त था वहां पर मैंने कभी भी बाइंग की एडवाइस नहीं दी थी। कोरोना के बाद 18 रुपए तक शेयर पहुंचा, उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि अब जो ट्रेंड है वो यहाँ पर पॉजिटिव लग रहा है, अब यहाँ से तेजी की शुरुआत हो सकती है। देखिए, मिड कैप शेयर है ये, 19,145 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में अगर हम देखें तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड भी हमें देखने को मिल रहा है। काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोग खरीदारी बिकवाली यहां पर जरूर कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की 40% की होल्डिंग कॉन्स्टेंट है, लेकिन FIs म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बड़ी बिकवाली की है, जो कहीं ना कहीं इस शेयर के लिए अच्छी नहीं बात है। अब देखिए, FIs के पास 11.23% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 2.67% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.59% की होल्डिंग है, और इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ी होल्डिंग को कट डाउन किया है, जबकि FIs और म्यूचुअल फंड ने हल्की सी बिकवाली जरूर की है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर है IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, 40% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 11 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, और 147 FIs का पैसा भी यहाँ पर लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 21.017% के आसपास देखने को मिल रही है। हालांकि डिविडेंड 2018 में पे किया था, उसके बाद इस बैंक ने डिविडेंड पे नहीं किया है। 2019 और 2020 में डिविडेंड पे नहीं किया, मतलब आखिरी बार 2018 में इन्होंने डिविडेंड पे किया था। IDFC फर्स्ट बैंक अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, अभी भी ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, अभी भी और ऊपर जाने के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग बेचने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। और देखिए, पिछले 3 क्वार्टर मुझे लगता है कि इस बैंक के लिए बेहतर साबित हुए हैं। इससे पहले मार्च 2020 में 76 करोड़ का इनको जो प्रॉफिट हुआ था, तब मैंने इसमें बाइंग की रेटिंग दी थी और तब शेयर 18 रुपए का था। उसके बाद देखिए, 100 करोड़ का मुनाफा हुआ, फिर 109 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए, क्वार्टर दर क्वार्टर इनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो इस बैंक के लिए भी बेहतर है। इससे पहले नुकसान था, दिसंबर 2019 में 1631 करोड़ का लॉस था, सितंबर 2019 में 675 करोड़ के आसपास का इनको नुकसान हुआ था। तो इससे पहले लॉस था, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर इस बैंक के लिए बहुत ही शानदार रहे हैं, और डेफिनेटली एक जो पॉजिटिव ट्रेंड है
वो वापस यहाँ पर लौट रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए भी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है, और ये भी इस बैंक के लिए पॉजिटिव चीज है। दोनों में सुधार है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी यहाँ पर छुपी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। FIs ने भी क्वाली किया लेकिन अभी भी 11.23% की बहुत बड़ी होल्डिंग FIs के पास है। म्यूचुअल फंड ने भी क्वाली किया है लेकिन अभी भी 2.67% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी यहां पर सरप्राइजिंगली प्ले कर रही है। देखिए पहले इंश्योरेंस कंपनी मार्च 2020 के क्वार्टर में सिर्फ 0.70% की होल्डिंग थी, जून 2020 में वो होल्डिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, 8.19% हुई, लेकिन अब सितंबर में दोबारा उन्होंने बिकवाली करके 0.59% के आसपास अपनी होल्डिंग को कर दिया है। तो जितनी बढ़ाई उतनी वापस डिक्रीज भी कर दी, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। ओवरऑल IDFC फर्स्ट बैंक मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक फ्यूचर के लिए एक अच्छा शेयर है। अगेन मैं कह दूं शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी ये बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भैया मुझे एक महीने का निवेश करना है, दो महीने का निवेश करना है, तो IDFC बैंक आपके लिए नहीं है। IDFC फर्स्ट बैंक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बैंक में तभी निवेश करें जब आपका नजरिया कम से कम 1.5 साल से लेकर 2 साल का हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आए हैं तो मुझे लगता है कि शेयर में आपको कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट वाला पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। 3 रुपए अप जाएगा तो 2-2.5 रुपए वापस डाउन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो ये बात को जानकर ही आप यहाँ पर निवेश करें कि अगर आपका नजरिया जो है वो कम से कम यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होने वाला है। कम से कम 1.5-2 साल का आपका नजरिया यहाँ पर होना चाहिए, पहली चीज है। दूसरी चीज, जरूर आप इसमें निवेश कर सकते हैं, अच्छी बैंक है और आने वाले दिनों में डेफिनेटली ग्रो कर सकता है, ये बेहतर ग्रो कर सकता है, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक साथ 1,000 शेयर उनको खरीदने होते हैं तो वो एक साथ खरीद लेते हैं। अब होता क्या है कि जब डाउन ट्रेड शुरू होती है तो वो एक लेवल पर फंस जाते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि ये दिमाग में सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी अगर गिरावट आती है तो एक साथ एक ही प्राइस बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीदो। अगर आपको 1,000 शेयर खरीदने भी है तो पहले सिर्फ 150-200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। याद रखें बहुत बड़ी क्वांटिटी एक ही लेवल पर फंसाने की जरूरत नहीं है, टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। खरीदारी करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि अगर नीचे आएगा तो मैं क्या करूंगा, तो ये सोच के आप खरीदारी करें यहाँ पर तो ज्यादा बेहतर होगा। और कम से कम 1.5-2 साल का प्लान यहाँ पर रखें तो आपके लिए बेहतर है। खरीदारी अगर आपने ऑलरेडी करके रखी है तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक है तो चाहे तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं तेजी आने पर, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी। तो इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, अगर चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।